कम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने कटिंग्स की वीडियो बनाई थी और गार्डन ओवरव्यू कराया था। उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि आप कौन सी खाद अपने प्लांट्स को डालती हैं। तो ऐसे कमेंट में रिप्लाई करने की बजाय मैंने सोचा एक वीडियो ही आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी खाद डालती हूँ और कैसे बनाती हूँ। तो जो मैं खाद अभी आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र है, जो कि आपके प्लांट्स को बहुत ही अच्छी एनर्जी भी देगा और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आपको मिलेगा। आप एक बार उसे ट्राई ज़रूर करें। तो उससे क्या होगा, हमारे प्लांट को पर फूल भी अच्छे आएंगे और लीव्स भी अच्छी होंगी, और लीव्स जलेंगी भी नहीं। जो लीव्स बर्न हो जाती हैं वो भी नहीं जलेंगी। तो मेरे प्लांट्स पर देखिए, आप एक पर भी आपको लीव्स जली हुई नहीं दिखाई देंगी, सभी लीव्स बहुत अच्छी ग्रीनरी ही आपको दिखेंगी। तो इसी तरीके का फर्टिलाइज़र आज आपको बताऊँगी। गर्मियों में क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हम डायरेक्ट नाइट्रोजन अपने प्लांट में डालते हैं तो उससे ज़्यादा गर्मी की वजह से लीव्स जलने लग जाती हैं और हमारे प्लांट ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इससे आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो नाइट्रोजन भी आपके प्लांट को मिल जाए और प्लांट ख़राब भी ना हो। तो गर्मियों में केमिकल वाले खाद से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से केमिकल वाले खाद कई बार नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी खाद आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके घर पे ही आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे आपको वो खाद बनानी है। उसके लिए हमें चाहिए पानी। तो पानी मैंने ले लिया है, अभी हमने थोड़ा ही पानी इसमें लिया है, ये देखिए इतना मैंने इसमें पानी लिया है। और इसके लिए आपको चाहिएगा एक कपड़ा, और कपड़ा आप जब भी ले तो थोड़ा बारीक कपड़ा लें, ज़्यादा मोटा कपड़ा आप ना लें। तो इस पर मैंने ये कुछ बनाना के छिलके हैं जो कि मैंने डाले हुए हैं, इनको मैंने पीसीज में काटा हुआ है। तो बनाना के छिलकों को आप पीसीज में काट लें। अगर आपके पास बनाना के छिलके नहीं हैं और गोबर की खाद आपके पास है तो सिर्फ आप इसमें गोबर की खाद डालिए, ये ऐसे ये गोबर की खाद हो गई है, हमें इसमें गोबर और थोड़ी खाद डालनी है। इन दोनों चीज़ों को अब हमें क्या करना है, इसकी एक पोटली बना लेनी है। इस तरीके से हम इसे बांध लेंगे, जैसे हमने इसकी देखी पोटली बना ली है। अब हमें इसे पोटली को इस पानी में ऐसे डीप करके रख देना है इस तरीके से। तो इसमें से देखिए ऐसे बबल्स निकल रहे हैं, ये नीचे बैठेगा नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, इस पर एक भारी सी कोई चीज़ रख देनी है ताकि ये अच्छे से नीचे बैठ जाए। तो मैं इस पर ये रख देती हूँ ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये हमने रख दिया है इस पर इस तरीके से, ये बिल्कुल देखिए बहुत अच्छे से डीप हो गया है इसमें। अब हमें क्या करना है, इस पानी को 24 घंटे के लिए रख देना है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। इस पानी में न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी हमारे प्लांट को चाहिए होगा वो सब इस पानी में हमें मिलेगा, इस खाद से हमें मिलेगा। अगर आपके पास लकड़ियों की राख है, जो कि लकड़ियों की राख बनती है चूल्हे पर, अगर आपके पास राख है तो वो भी आप राख इसमें ले सकते हैं। उस राख से आपके प्लांट को फास्फोरस की कमी पूरी होगी, तो फास्फोरस के लिए आप इसमें राख ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी राख नहीं है, यहाँ पर नहीं मिलती है राख, तो आप इसमें राख भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कोई भी NPK, DAP, डाई वगैरह ये केमिकल इसमें कोई आपको यूज़ नहीं करना है। ये ही खाद हमारे प्लांट के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप इसे यूज़ करें, उसके बाद रिज़ल्ट देखें आपके प्लांट को कितना अच्छा मिलने वाला है। तो अभी हम इसे चलो रख देते हैं, 24 घंटे बाद इसे देखते हैं कैसे इसमें हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो इसको हमें छाया वाली जगह पर रखना है, धूप में नहीं रखना है। अभी देखिए 24 घंटे हो चुके हैं, अब देखेंगे हम इसे देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट हमें मिला है। तो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर से ये निकाल देते हैं, और ये देखिए पानी का कलर आप देखिए बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ भी है, नाइट्रोजन वगैरह कुछ भी है, वो सब इसमें हमारे पानी में आ गया है।
ये देखिए आप कितना अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा अपने प्लांट में। आप इसे डाल के देखिए, तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है ये हमारे प्लांट के लिए। तो इसे ऐसे बिल्कुल अच्छे से इसमें से पानी निकल रहा है, ये देखिए इसका कलर बिल्कुल कितना डार्क और कितना अच्छा हो चुका है। तो अभी मैंने ये पोटली भी खोल ली है। इसका हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई पेड़ अपना लगाएंगे गमले में, इसे हम नीचे की साइड डाल लेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे डायरेक्ट भी हम इसे डाल सकते हैं प्लांट में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी अभी नहीं रही है। तो इसे हम अभी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और नीचे की साइड पोट में भी डाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसे पानी को भरना है। इतना ये पानी है, इसे पूरा हम बकेट को भर लेंगे यहाँ तक। तो ये मैंने इसमें पानी चला दिया है, अब ये देखिए पूरा भर जाएगा। ये इसे हमें अपने सभी प्लांट्स में डाल देना है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छा लिक्विड बनके हमारा तैयार हो गया है। किसी भी तरीके के प्लांट में हम इसे डाल सकते हैं अपने, सभी के लिए बहुत अच्छा है। इससे बिल्कुल भी आपके प्लांट ख़राब नहीं होंगे, जलेंगे नहीं और पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो चुका है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा इसका डायरेक्ट डालने से पानी उसमें प्लांट में। तो मैं इसे भर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इतना हमने इसे कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से ऐसे नीचे से घुमा के अच्छे से बिल्कुल इसे मिक्स करके अपने प्लांट में डाल देना है। तो आप प्लांट में डालते टाइम इतना ज़रूर याद रखें, कोई भी खाद डालते टाइम आपके कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक डाल रहे हैं तो फिर तो आपके 10 दिन का गैप ही रखिए, और 10 दिन में नेक्स्ट फर्टिलाइज़र ऐसे ही तैयार करके डाल दीजिए। आपके प्लांट देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और कितने अच्छे से सभी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेंगे। इससे हम देखिए इस तरीके से सभी प्लांट में डाल देंगे, और इसी को हम स्प्रे बोतल में करके स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।